हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आर के मलिक। मैं आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ केंद्रीय विद्यालय के रिगार्डिंग। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला सका। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद, 2-3 महीना के बाद आज ये वीडियो ला रहा हूँ। ये भी केंद्रीय विद्यालय के रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग ये वीडियो होगा। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रत्नकांत का आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय रिगार्डिंग हर वीडियो में लाता रहूँगा। कैसे एडमिशन करेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, क्लास 1, क्लास 2 से 12 तक का हर क्लास के लिए मैं वीडियो लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये जो पहला सवाल जो आता है केंद्रीय विद्यालय रिगार्डिंग, चेक कब ए फॉर्म सबमिशन शुरू होगा, कब एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और कब ऑनलाइन हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे हमें पता करेंगे, कैसे क्या होगा। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये वेबसाइट है। देखिए, यहाँ से यहाँ कोई भी कागजात तो यहाँ शो नहीं कर रहा है। देखिए, यहाँ लिखा दिस पोर्टल इज एक्सक्लूसिव फॉर अप्लाइंग एडमिशन टू स्टैंडर्ड 1 इन केंद्रीय विद्यालय ऑल ओवर एकेडमिक ईयर 23-24। यहाँ देखिए, कुछ भी नहीं आया है, माने नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो हम एडमिशन शुरू होने के लिए जो भी प्रोसेस है, यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये शुरू नहीं हुआ है, आपका एडमिशन प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है। इसके बाद मैं बता रहा हूँ, अगले साल जो हुआ था, यहाँ मैं एक फॉर्म डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ देखिए, था 11/4 से, मतलब अप्रैल 11 से 13 तक का ये जो एडमिशन शुरू हो गया था क्लास 1 के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ पूरा लिखा हुआ है क्लास 1, 11 अप्रैल टू 13 अप्रैल। बहुत कम समय दिया गया था क्योंकि बहुत देर हो गया था, थोड़ा सा मैंने कोरोना के वजह से थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए देखिए 11 अप्रैल से 13 अप्रैल, मतलब 11-12-13 3 दिन सिर्फ दिया गया था क्लास 1 फॉर्म भरने के लिए और रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो इस साल भी मान लीजिए ये जो हमारा जो पहला हफ्ता जो मार्च का होता है, एक्चुअली जो टाइम है फर्स्ट वीक होता है मार्च का, लेकिन मार्च फर्स्ट वीक में तो नहीं हो रहा है क्योंकि आज से होली स्टार्ट हो गया है, तो ये नहीं हो पाएगा। सेकंड हफ्ता हो पाएगा, हो सकता है जो आपका सेकंड वीक में ये शुरू हो सकता है, लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन अगले साल जो हुआ था 11 अप्रैल को हुआ था 13 अप्रैल तक का। ठीक है, और मैं इम्पोर्टेंट जो बात बताना चाहूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट रेडी नहीं किए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर क्लास 1 के लिए आपका बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाके डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत है और एज कितना होना चाहिए। ये जो बहुत सारा जो कमेंट आता है मुझे, फॉर्म कब निकलेगा और बच्चों का उम्र कितना होना चाहिए, पहले जो बच्चों का उम्र 5 साल हुआ था, अभी से 5 साल होता है या ज़्यादा होता है, इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट जो चाहिए, फर्स्ट होता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में क्या क्या आता है? रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में आपका इलेक्ट्रिक बिल भी आ जाता है, आपका रेशन कार्ड भी आ जाता है, आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो होता है, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह, ये सारा जो रेसिडेंशियल कैटेगरी में आता है, ये सारा डॉक्यूमेंट आपका अगर है, खुद का नाम का होना चाहिए, नहीं तो अगर आप रेंटेड है तो आपका रेंटल का जो ऑनर से आप लेना चाहिए कि हम फॉर्म भरवाने के लिए, सबमिशन करवाने के लिए आपको चाहिए। तो ये हो गया आपका पहला जो होता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और दूसरा होता है बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का जो आपका एज पता करने के लिए आपको एज रिगार्डिंग, जो उम्र का रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट चाहिए, मेन जो डॉक्यूमेंट चाहिए ये है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च तक का, बच्चों का जो होता है आपका कितना उम्र होना चाहिए, 6 साल से 8 साल तक का क्लास 1 के लिए, पहले था 5 से 6, अभी हो गया 6 से 8। ठीक है, 6 साल के एक दिन अगर कम हुआ तो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर अभी तक मान लीजिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, 7 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, 7 तारीख को अगर आप बच्चों का 6 साल नहीं हुआ है, लेकिन 31 मार्च तक का अगर बच्चों का 6 साल हो जाता है तो ये एडमिशन कर पाएंगे, ये फॉर्म भर पाएंगे। ये 31 मार्च तक का आपका मिनिमम 6 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 8 साल के अंदर होना चाहिए। 6 साल से 1 दिन कम नहीं होगा, 8 साल से 1 दिन ज़्यादा नहीं होगा। अगर ज़्यादा होगा या कम होगा तो फॉर्म नहीं सबमिशन कर पाएंगे, अगर कर देंगे तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट।
और तीसरा जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये चाहिए कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बच्चों का जो आपका 3.5 to 4.5 जो होता है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, एक कलर वाला एक फोटो चाहिए, जो भी आपका स्कैनिंग करके जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब आप फॉर्म सबमिशन करेंगे उस वक्त आपका चाहिए। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है EWS सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर EWS कैटेगरी में आप आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट आप ऑथराइज एडमिनिस्ट्रेशन से आप ले सकते हैं EWS सर्टिफिकेट। और होता है आपका BPL सर्टिफिकेट। BPL सर्टिफिकेट मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप BPL के अंडर हैं या आपका RT कैटेगरी जो आता है, SC ST जो आता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड आता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारा कैटेगरी जो होता है, अगर इसके अंदर आप आते हैं तो इसका जो सर्टिफिकेट आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सबमिशन करना पड़ेगा। फॉर्म भरवाने के जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, लेकिन जब आप वेरिफिकेशन के लिए आप जब आप एडमिशन करवाएंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका ये वहाँ आपको वेरिफिकेशन के लिए शो करना पड़ेगा। और देखिए, और जे जो लास्ट जो बात मैं बताना चाहूँगा, ये जो 31 मार्च का जो फर्स्ट वीक में जो हो जाना चाहिए था, फर्स्ट वीक में नहीं हो रहा है, सेकेंड वीक में हो सकता है, अगर मार्च महीना भी नहीं हो रहा है तो अप्रैल फर्स्ट वीक में ज़रूर होगा। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ 11 से लेकर 13 तारीख को आपका जो डॉक्यूमेंट यहाँ, ठीक है। और एक होता है जो फॉर्म का कॉस्ट कितना होना चाहिए, जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो आपका कितना पेमेंट करना पड़ेगा फॉर्म के लिए, मैं आपको बता दूं। जो आप जिस कैटेगरी में हो, आपका ये जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म जो आप भरेंगे निःशुल्क, मतलब बिना कोई पैसा दिए आप फॉर्म भरेंगे, पहले तो 25 रुपीज़ था, अभी 25 रुपीज़ नहीं है, पूरा का पूरा ये फ्री है। और अगला वीडियो में ये जो फीस स्ट्रक्चर है, महीना में कितना, क्लास 2 में कितना, क्लास 1 में कितना, 4, 5, 6 हर बच्चे के लिए मैं फीस कितना होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस जो आपका जो फॉर्म भरेंगे इसके निःशुल्क है, ये कोई भी आपको पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, मैं फिर एक बार बता देता हूँ। एड्रेस प्रूफ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए 6 साल से 8 साल के अंदर बच्चों का, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ चाहिए, जो साइज होना चाहिए 3.5 cm to 4.5 cm जो पासपोर्ट साइज का होता है। अगर EWS कैटेगरी में सर्टिफिकेट कैटेगरी में आप आते हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट आपको देना चले चाहिए। BPL कैटेगरी में आता है या RT कैटेगरी, मतलब SC ST सिंगल गर्ल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी कैटेगरी आपको होते हैं तो उनका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। और मार्च 31 तक का आपका एज होना चाहिए 6 साल से 8 साल। और जो फॉर्म हम भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये हो सकता है सेकेंड वीक से, मार्च सेकेंड वीक से हो सकता है, नहीं तो अप्रैल महीना भी हो सकता है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, अगर वीडियो आपका अच्छा लगे, और एक बात बता दूं, ये जो फॉर्म होता है निःशुल्क होता है, आपको कुछ भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। ये था एक छोटा सा वीडियो, अगर वीडियो आपका अच्छा लगे एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत का आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय जगन्नाथ, जय हिंद।